सुप्रभात बच्चों, बिंदुओं का मिलान करते हुए ए लिखिए और दिए गए चित्र में रंग भी भरिए। आइए देखें ए की बनावट। एक छोटी सीधी रेखा, उससे जुड़ी एक तिरछी रेखा, अब ऊपर से एक और सीधी रेखा और इसको मोड़ते हुए थोड़ा सा अंदर लेकर आइए। याद रखें कि इस वाली रेखा को जो आप अंदर मोड़ के ला रहे हैं, इसको इस सीधी रेखा से नहीं मिलाना, इसको आपको यहीं तक छोड़ना है। और ऊपर छत बन गया आपका अक्षर ए। आइए एक बार फिर अभ्यास करें। एक छोटी सीधी रेखा, उससे जुड़ी एक तिरछी रेखा और ऊपर से एक सीधी रेखा और उसको अंदर मोड़ते हुए और यहाँ तक छोड़िए। ऊपर छत, बन गया अक्षर ए। और यहाँ एक सेब का चित्र है, इस सेब में लाल रंग या हरा रंग भरिए। आपको इसी तरह सब बिंदुओं को मिलाकर ए का ए बनाने का अभ्यास करना है और अपना प्रश्न पूरा करना है। अब बिंदुओं का मिलान करते हुए दोबारा आपको ए लिखने का अभ्यास करना है और यहाँ खाली जगह पर भी आपको ए लिखने का अभ्यास करना है। आइए एक बार फिर से देखें। एक छोटी रेखा, उससे जुड़ी एक तिरछी रेखा, ऊपर से एक सीधी रेखा और मोड़ते हुए यहाँ तक लाएंगे और ऊपर छत, बन गया अक्षर ए। इसी तरह आप सारा प्रश्न पूरा करेंगे और ए लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।